Thank you.
भवेश शर्मा, भवे आया क्या? हेलो हेलो प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी, सरगम कैसे हो? सब बच्चों को प्रणाम जी। प्रणाम जी दोनों आंटी। आज भव्या या जागरूक नहीं ज्वाइन कर पाएंगे हम। है नहीं मैं कर रहे। हूँ नहीं मैं हूँ आंटी। आपको कुछ भी काम हो तो हम लोग मुझे बता देना। कौन है? कौन? युक्ति युक्ति रूही। रूही। ओके ओके रूही। तो रूही है आज हमारे साथ में, ठीक हाँ जी है। और आज 2 मिनट पहले अपन आपस में सब बात कर लें। हम लोगों ने 7 दिन से शिविर अटेंड किया है। किसी भी बच्चे को कोई भी बात अपने दिल की शेयर करनी है हमारे साथ। देखो हम आपके साथ जुड़े, आप हमारे साथ जुड़े, हमारी नई पहचान है। हम सबके प्रीतम राजी महाराज और सतगुरु सरकार श्री के द्वारा हम सबका मिलना एक दूसरे के साथ हुआ। लेकिन कोई अपने दिल की बात, देखो मेरे पास तो जो दिल में उन्होंने भरा मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लीज किसी ने अपने दिल की बात शेयर करनी है हमारे साथ, या क्या लगता है, या क्या आपके मन की इच्छा है, चित्त बुद्धि जो भी आपके अंतर्गत, तो कोई भी बच्चा या दो बच्चे कोई शेयर करना चाहे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि आपको इस शिविर में आके कुछ लिया, कुछ नया था, या ऑलरेडी आपके पास तो हो गई थी। आप सबके घर, निजानंद सुंदर साहब के घर आप बच्चे हो वहां के, तो सबके पास कुछ ना कुछ तो है बहुत। तो लेकिन इस शिविर से आपको क्या लगा? कोई बोलेगा बीच में अपना माइक ऑन करके? किसी के पास कोई बात नहीं है करने की है? जागनी आप करो, कोई है? हाँ आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, कौन बोल रहा? देखो सरगम मेरे फोन पे सबकी फोटो नहीं आती, तो लैपटॉप होता तो सबकी आ जाती, तो मुझे ढूंढ ढूंढ के देखना पड़ता है। हाँ अच्छा सरगम बेटा बोलो। सरगम बोल रही हूँ हाँ हाँ आंटी। आंटी आज मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले यही सोचा कि उठते ही क्विज सॉल्व करूंगी एंड उसके बाद दिन की शुरुआत करूंगी। तो दिन की शुरुआत जो हुई वो आज क्विज सॉल्व करने से हुई। तो उससे थोड़ा सा ये जरूर अपने में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ चलिए जो 6 दिन हम लोगों ने पढ़ा उससे थोड़ा जो मतलब चीजें नहीं मालूम थी अब वो हम अपने आप को जज कर पाए कि हम कितने लेवल पे हैं और हमें कितना आगे और मेहनत करनी है अपने आप को जागृत करने के लिए और जानने के लिए। तो उसमें एक ऑप्शन था आंटी कि हम वीकेंड पे अगर क्लास लेना चाहते हैं कि नहीं। एंड में जो रिस्पॉन्स था उसमें था कि हम वीकेंड पे, तो मैं आंटी उसमें जरूर इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप लोग इस तरीके का कुछ भी वीकेंड में प्लान करते हैं ज्वाइन करवाने के लिए तो मैं उसको जरूर करना चाहूंगी और आगे तो भी वीकेंड चीजें जानने। पे हम लोग 1 घंटा क्लास लें आपका, ऐसा है कि हाँ आंटी शनिवार को, सैटरडे कभी भी आंटी, शाम एनी को? एनी डे, सैटरडे संडे कभी भी, मतलब वीकेंड पे कभी भी। मतलब उसमें लिखा था तो इसके लिए मेरे मन में भाव आया कि अगर हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर सब लोग वर्किंग हैं तो अगर वंस इन अ वीक भी अगर हम बैठ के पूरा याद करते हैं राजजी महाराज को साथ में, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा हमारे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पूरे हफ्ते के बहुत बाद। अच्छा है, राज जी की वाणी समझने को मिलेगी हमें, राज जी 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 बिल्कुल की वाणी, राज जी का परम धाम, राज जी की पहचान हमें मिलेगी। और बच्चा भी कोई इंटरेस्टेड होना चाहेगा? और भी किसी बच्ची का इंटरेस्ट है कि वीकेंड पे सरगम का बहुत अच्छे व्यूज है, और किसी बच्ची की इच्छा है कि हम वीकेंड पे राज जी की पहचान करें या उनकी बात करें, तो हम लोग आपस में मिले। प्रणाम जी हम सुंदर प्रणाम बेटे जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ हाँ आपका क्या व्यू है बेटा? जी, आप भी आंटी रेडी मुझे हो? ये शिविर अटेंड करके। हां जी बिल्कुल मैं रेडी हूँ। आप कोई भी हाँ दिन आप शिविर अटेंड। सेलेक्ट कर लीजिए, मैं रेडी हूँ। और धाम धनी की अच्छा इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि उन्होंने शिविर के माध्यम से हमारे अंदर अपनी अपने बल और दिया, अपना बल समझने के लिए उनकी मेहर का जितना शुक्राना करे उतना कम है। बहुत 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 बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा बोले। और बच्चा कोई बोलेगा? हमें आपके व्यूज से अच्छा लग रहा है, आप लोग व्यूज देते हो तो ऐसे लगता है, जो अभी आशा जी भजन गा रही थे कि ये सतगुरु सेवा तेरी सबसे बढ़िया सेवा। देखो आवाज सुनना भी सेवा है तो बोलना भी सेवा है, दोनों ही सेवा है, क्योंकि दोनों आत्म की सेवा कर रहे हैं। आप अपनी आत्म की कर रहे हो, हम अपनी आत्म की कर रहे हैं, है ना? तो आप अपनी बात बोल के हमें अच्छा लगता है कि आप लोगों में इंटरेस्ट है राज्य से, और उनका
गहरा इलम लेकर के उनकी पूर्ण पहचान करना, क्योंकि आपकी छोटी उम्र है, अभी जो अचीव कर लोगे कर लोगे, बाद में तो फिर वो इतना, क्योंकि हम लोगों ने भी जब अचीव किया तो आपकी उम्र में ही थे हम लोग भी यहाँ पर। हाँ बहुत अच्छा, और कोई बच्चा और कोई बोलेगा? हाँ जी प्रणाम जी दीदी। हाँ प्रणाम जी, अपना नाम बता दो प्लीज। मैं प्रीति फिडाना दिल्ली से। हाँ अच्छा प्रीति जी बोलो। हाँ बस मैं भी इस शिविर को ज्वाइन करना चाहूंगी, अगर आप देते हैं वीकेंड में टाइम तो ये तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आप वाणी सुनना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे आप लोग बच्चे? वाणी चितवन क्या है आपको, यही एज लाइक क्लास चले ऐसे ही? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, कि थोड़ा थोड़ा टाइम हर चीज को मिले, वाणी चर्चा को भी मिले, और जैसे बीत तक सुनाते हैं रजनीश जी, उनको की भी हमें नॉलेज चाहिए, और सभी कुछ जो आप पूरी प्रॉपर ऐसी क्लास लगे। मैं तो अभी भी डेली चाह रही थी कि हाँ डेली कंटिन्यू रहे, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं गाती हूँ भजन, तो मैं गाती हूँ हर ग्रुप में हूँ, लेकिन भजनों के अलावा शायद ऐसा टाइम है कि नॉलेज लेनी जरूरी है, मुझे शायद इतनी नॉलेज है नहीं जितनी होनी चाहिए। हाँ तो हम सैटरडे और संडे रख सकते हैं, है ना? आशु क्या कहते हो आप? आशु हाँ जी दीदी, हाँ सैटरडे रख सकते हैं दीदी, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। सैटरडे और संडे मुझे लगता है दो क्लास ले लें, है ना, बच्चों के लिए दो दिन तो होने चाहिए, क्योंकि एक दिन में तो सब बिसर जाएंगे, है ना, तो हम उसके हिसाब से ये क्लास ले लेंगे। और कोई बच्चा बोलना चाहेगा? हाँ हेलो, और कोई बच्चा? ठीक है, हम सैटरडे और संडे की क्लास लेंगे, ठीक है रजनीश जी, बच्चों के लिए सैटरडे और संडे कभी आशु जी और मैं कभी रजनीश जी के साथ लेंगे, जैसे जैसे मौका मिलेगा। वो धीरे धीरे आपको, आशु जी आपको परम धाम के बारे में धीरे धीरे वर्णन करेंगी, रजनीश जी को भी बहुत कम टाइम मिलेगा, वो धीरे धीरे आपको बीतक साहब को धीरे धीरे से एक एक पॉइंट समझाएंगे, अभी तो उनको टाइम कम मिला है तो वो नहीं समझा पाए, तो थोड़ा थोड़ा। और मैं वाणी की खास खास जो बातें हैं, जो खास खास वाणी का सार है जो आपके पास आएगा, तो हम लोग वाणी के खास खास प्रकरण मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है, इससे आपको और नॉलेज मिलती रहेगी, तो आप और बच्चों के साथ भी सबके साथ ले लो, और अपना हम सब इसी ग्रुप के साथ यही नंबर के साथ हम जुड़े रहेंगे, ठीक है जी। और एक हमारे में से एक बच्चा जो है वो इसको ले ले, क्योंकि भव्य और जागरूक तो शिविर तक हमारे साथ थे और बच्चे तो अभी वो रहेंगे नहीं, तो एक जना इस ग्रुप को हैंडल करे, और कंप्यूटर जिसको बहुत अच्छे से आता है सरगम, तुम कर लोगी? जी आंटी बिल्कुल मैं कर लूंगी। तो आप ही एक ग्रुप बना करके सबको नंबर सेंड कर दे, हम सेटर जो है शाम को 6:30 से 7:30 यही टाइम पे हम सब बैठेंगे, ठीक है, सैटरडे और संडे। जी आंटी। और एक साथ हमारा बड़ा प्यारा सा वो कह रहा था कि तुम सब में एक एक भजन भी गाते हैं, तो हमारी शुरुआत आपकी किसी ना किसी एक बच्चे के भजन से होगी, जो भी भजन गाता है ना, कभी कोई अपनी मर्जी से ही कहेगा कि आज मेरा नंबर है या मेरा नंबर है, ठीक है। आज आपकी जो अगली नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे और संडे की आएगी, वो एक ना एक बच्चे के भजन से होगी, आप हर बार अपना एक नया बच्चा नया भाव लेके आएगा, फिर उसी को रिपीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जब तक हमारे को ये कोरोना और ये सब चल रहा है, तो हम सैटरडे संडे 6:30 से 7:30 इस टाइम को यूटिलाइज आपके साथ करेंगे, ये पक्का है, ठीक है आशु जी रजनीश जी, ठीक है ठीक है ना, ठीक है। तो ये हम लोगों को भी आपके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, आप हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमें भी राज्य की बात करना अच्छा लगता है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तो हम जो जो पॉइंट्स होंगे हम उसकी बात जरूर करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने मेरे साथ विचार शेयर किए, सरगम और दो तीन सुंदर साथ नाम मैं नहीं देख पा रही, तो उन सबका बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने अपने विचार मेरे साथ शेयर किया और उन लोगों ने इंटरेस्ट किया, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। और कोई बच्चा भी कुछ बोलना चाहता है? एक सुझाव मैं देना चाहूंगी, सुनो आज हमारी क्लास में जयेश आहूजा भी आए हैं, थैंक यू।
एक सुझाव मेरा भी ले लो, हाँ जो रिक्वेस्ट है कि वो वाणी पढ़ा करें डेली डेली, थोड़ी थोड़ी 5-7 से पहले रोज पढ़े, उसमें जो आपको जो वाणी से जुड़ेंगे, ये वाणी से ही जुड़ना चाहते हैं। नहीं, पहले 5 दिन वाणी पढ़ ले और जो जो कुछ मतलब ना समझ आया हो, हम तो 2 ही दिन लेंगे, बाकी दिन ये लोग बच्चे पढ़ेंगे घर पे, घर पे पढ़ेंगे और जो भी पूछना चाहेंगे आप सब उनका सलूशन करोगे, उनका बच्चों को जो समझ नहीं आएगा वो सब आपको समझाना होगा, तो ही बच्चे आप जैसे किसी भी मीनिंग नहीं समझ आ रहा या कोई बात के रहस्य समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं इन क्लासों में, अच्छा रहेगा इन वाणी से, इस तरह से ये जुड़े रहेंगे बच्चे। अब हमारे सैटरडे और संडे को क्लास चलेगी है ना, तो अभी हम 25-25 मिनट की क्लास लेंगे रजनीश जी, आशु जी और अर्चना जी, ठीक है। तो क्लास 2 ही दिन तो चलनी है, तो आप लोगों को 1.25 घंटा हमारे साथ टाइम शेयर करना है, और उससे पहले एक भाव बहुत प्यारा अभी एक सुंदर साथ बोल रहे थे कि वो उसके साथ हम भाव से शुरू करेंगे, सब बच्चे गायकी में भी साथ देंगे है ना, और मिलके गायकी में देंगे तो आपके भजन भी हम इंटरेस्ट से सुनेंगे कि आप कितना उसकी लेते हैं, अलग अलग किरंतन अलग अलग भजन, तो हम लोग सब मिलके अपना एक, हम भी आपके साथ युवा हो जाएंगे ना, युवा ग्रुप होगा हमारा, तुम्हारे साथ हम लोग मिल करके अपना एक सखियों का जुथ है ना, परम धाम में कितने जुथ है सखियों के, 40 जुथ है ना, और एक एक जुथ में 300-300 सखियां हैं, तो हमारे युवा बच्चे भी 300 तो होने ही चाहिए है ना, तो धीरे धीरे आप एक एक जना अपने अपने साथ इंस्पिरेशन करेंगे तो हम सब अपने जुथ का, तो राज्य के चरणों में जाके कहेंगे ये युवा जुथ आया, परम धाम में तो सब युवा है ही सही, चीनू दीदी और यहाँ से चीनू दीदी, हाँ वही भाव लो, वहाँ तो सब युवा ही है, वही भाव लो, यहाँ मत देखो नहीं नहीं वो तो वही है, लेकिन वाया तन से बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ बच्चों को इंस्पिरेशन दे रही हूँ, इतने अच्छे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं युवा, तो ये देख के अच्छा लग रहा है ना, तो हम अगले सैटरडे ये सरगम सारा ये करेगी, सारा का सारा इसको जो है ना स्टार्ट करेगी और ऐड करना हमें भी अपना लिंक भेज देंगी सब, अब हमारा ये सैटरडे से चलेगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा लगा 15 मिनट आपके साथ बात करके, मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगी क्योंकि मैंने 15 मिनट आपसे बात करने के लिए ले लिए है ना, तो चलो शुरू करें, राज्य के सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए वर्णन करते हैं, और मैं बंदो सतगुरु बोलूंगी, कोई ऐसे टाइम कोई भाव भजन के एक या पैरा गाना चाहेगा तो अपना हाथ खड़ा करके गा सकता है बंदो सतगुरु के बाद में, कोई भी बच्चा जिसको याद है तुरंत यहाँ से हमारा आज से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो बंदो सतगुरु चरण को करूं तो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करें धन्य चंद्र हीना, श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम, धनी जी को पल पल करूं, कौन बच्चा बोल रहा है बोलो अपना माइक ऑन करके, कोई नहीं बोल रहा, ऋषिका बोल रही है दीदी, ऋषिका आई, ऋषिका बोलो, ऋषिका ऋषिका बोलो, ऋषिका बोलो बेटा, वेरी नाइस, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, माइक ऑन म्यूट पे हो शायद आपकी आवाज नहीं आ रही, हाँ अब आ गई, आ गई बेटे आपकी आवाज, करो स्टार्ट, आ गई आ गई, बोलो श्री प्राणनाच प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, वारी वारी
मेरी प्यारी वारी वारी टूक टूक कर डारो यातन टूक टूक कर डारो यातन ऊपर कुंज बिहारी बिहारी वारी मेरी प्यारी वारी वारी सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी कोट भी कुर्बानी में धनीश कायम सुख सारी रे वारी वारी मेरी प्यारी वारी रे वारी टूक टूक कर डारो टूक टूक कर डारो या तन ऊपर कुंज बिहारी बिहारी वारी बिहारी मेरी प्यारी वारी रे वारी रे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी ऋषिका ने बहुत ही अच्छा भजन गाया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा ऋषिका, बहुत अच्छी आवाज में गाया। ऐसे हर हर बच्चा तैयारी करेगा, अपनी तरफ से प्रयास करेगा, अच्छा सा अच्छा भाव हर बार हमारी एक बार स्टार्टिंग में रखने के लिए, है ना। बहुत अच्छा ऋषिका, अपने राज्य के ऊपर वारी वारी आपको चली गई हो, बहुत बढ़िया, इतना सुंदर। तो आज हम बात करते हैं राज्य की और मेहर ये देखियो कि कितनी मेहर हम पर उन्होंने कर दी, कि कर दिया सुगम, इतना आसान कर दिया कि बिन कसनी बिन भजन बिन योगा रम कष्ट दियो धाम धनी कसम हमें राज्य मिल गए। नहीं तो आज तक तपस्या कर रहे हैं, जब तप कर रहे हैं, तो इनको आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पहचान ही, और हमको कौन मिल गए, राजी महाराज क्या मेहर कर दी, जीव भव सागर से पार हो गया। आज तक जब तक दुनिया बनी है, पांच जीव भव सागर से पार हुए, हरिश्चंद्र, मोर ध्वज, अर्जुन, और ऐसे पांच जिन्हें ही ये आग करके इस माया से कूच कर पाए हैं अपनी कसनी से, हरिश्चंद्र का, और हम पर उन्होंने क्या मेहनत कर दी कि हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमें राजी महाराज आकर के पहचान तो मिली, तो मिली राज्य का नाम मिला, लेकिन उसके बाद हमें और क्या मिल गया कि उन्होंने हमारा को परम धाम का दरवाजा खोल के पूरे परम धाम की लीला को जाहिर कर दिया। आज मैं सिर्फ तीन चौपाई लूंगी क्योंकि उसके बाद में फिर आशु जी हैं, रजनीश जी हैं, वो भी 20-30 मिनट लेंगे, है ना, तो टाइम कम है। तो हमारे पास तो आज सबसे बात ऐसा राजीव ने कर दी, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। निज नाम क्या है, पांच चौपाइयों का नाम निज नाम है, निज नाम है परम धाम की निज लीला,
परम धाम में तुम क्या करती हो, तुम्हारा इष्ट का स्वरूप है, राजी इष्ट का स्वरूप है, श्यामा जी आनंद का स्वरूप है, ये लीला को कहां जाहिर कर दिया राजी ने आकर के इस वाणी में। तो निज नाम क्या हो गया, ये पूरी वाणी है, इसमें राजी ने अपनी पूरी निज लीला को जाहिर कर दिया, आज तक कहीं जाहिर ही नहीं हुआ। जैसे तुम्हारे घर में क्या क्या होता है, तो कह यार मेरी पर्सनल बात है, मैं अपनी निज बात जाहिर नहीं करती, हमारे घर में क्या होता है, तो राजी ने क्या करा है, अपनी निज लीला को जाहिर कर दिया दुनिया के अंतर्गत। कहते हैं जाकी सब दुनी रहा देखती, आज तक सब तपस्या जप तप करके उस परम धाम के राज्य का नाम के लिए तरस रहे थे, वो आज तक जाहिर हुआ नहीं, ये उन्होंने अपनी कृपा से क्या कर दिया, जाहिर कर दिया। अब हम सबको जाहिर करा है, तो हम सबको लेना है, निज नाम क्या है, उनकी निज लीला वाणी में जाहिर हो गई। कहते हैं मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत, हम तो क्या वो कहते हैं तुम मुक्ति क्या लोगे, तुम खुद रूहे मुक्त दोगे सारे संसार को, मुक्त देसी ब्रह्मांड को, इस सारे संसार को मुक्ति देने के लिए कौन आ गई, ब्रह्म सृष्टि आई तो राज्य आए, राज्य आए तो उनकी ये वाणी आई, वाणी आई तो उनकी पहचान आई, पहचान आ गई तो उनको सारे सुख मिल गए। तो क्या मिल गया तुम्हें, सबसे बड़ी ये निज लीला तुम्हारे दिलों पर राजी ने जाहिर कर दी। अब कहते हैं ओ मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खत्म, तुम कहाँ पर चल के आ जाओ परम धाम सत खत्म, जहाँ राजी रहते हैं, जहाँ तुम्हारा स्वरूप है। कहते हैं नजर छोड़ो री झूठ सुपन आए देखो सत वतन, इस संसार की नजर को छोड़ करके कहाँ आकर के नजर देखो परम धाम के सुखों में। आशु जी हमें समझाती है परम धाम को चर्चनी से समझाती है, धीरे धीरे तो अभी हमें वो उसके ऊपर कंप्यूटर पे दिखाई देता है, धीरे धीरे वो रूह के द्वारा जब रूह के अंदर चला जाएगा तो हमें वहां पर वो निज लीला वाणी से रूबरू दिखाने लग जाएंगे। तो राजीव महाराज हमें आके पुकार करके कहते हैं भाई आज तक जिस ज्ञान की राह सारा संसार देख रहा था, वो आज तक तपस्या कर करके थक गए, सत करे हेम में गल गए, उल्टे लटक गए, और तुम पर इतनी मेहर कर दी, ना जप तप कुछ भजन कष्ट कुछ करना नहीं पड़ा, कहते मैंने वाणी में सब कुछ जाहिर कर दिया, बस तुम इसे ले करके नजर माया की छोड़कर प्यारे राजी की नजर पे देखो, उनके स्वरूप को देखो, श्यामा जी के स्वरूप को देखो, तुम निरखो सत्य स्वरूप, तुम किसको निरखो और कहाँ से निरखना है, अंतर आत्मा से, अंतर आंखा खोलती सो ए सुख सोई, अंतर आंखें कैसे खुलेंगी, जब वाणी पढ़ लेंगे तो अंतर आंखें खुल जाती। आज किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको कहे यार तू मेरा ऑपरेशन कर दे, तो कहेगा मेरे को तो एक शब्द नहीं आता, कहाँ से ऑपरेशन कर दूं, क्या हड्डियां हैं, कितनी नसें कहाँ पर हैं, कुछ पता है, और एक डॉक्टर तुरंत देखेगा यहाँ दर्द है, यहाँ ये है ये है, क्यों, क्योंकि उसके पास इलम है। ऐसे ही जब तुम राज्य का ये सुंदर इलम ले लोगे, वाणी ले लोगे, तो तुम्हें कौन दिखाई देंगे, राज्य का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, तुम्हें तुम्हारा अपना स्वरूप दिखाई देगा, कितना सुंदर स्वरूप है, वहां के बागबन दिखाई। तो कहते हैं तुम निरखो, अब तुम ये वाणी लेके किसको निरखो, राज्य का मुखारविंद कौन से रंग में है कोई बताएगा, मुखारविंद का रंग क्या है राज्य का, गौर अति उज्जवल और लालिमान। अब ये किसने बताया वाणी ने कि राज्य का स्वरूप कैसा है, अति किशोर, मोहम्मद साहब क्या कहते हैं अमृत सूरत है, और वो श्यामा जी क्या कहती हैं किशोर सूरत, और हकी सूरत क्या कहते हैं नूरमयी सूरत, तीनों ने एक ही सूरत को बयान किया लेकिन अलग अलग शब्दों में। अब तुम सोचते हो इतने प्यारे राज्य हैं, उनका इष्ट का स्वरूप है, तो कहते हैं यहाँ आके परम धाम में तुम हर पल क्या करती थी, मुझे नहीं रखती थी, और अब तुम माया नहीं रखती थी, तो कहती है अब तुमको ये वाणी मैंने दे दिया, अब इससे तुम्हें क्या करना है, तुम निरखो सत्य स्वरूप, ये झूठे स्वरूप मत देखो, ये आज जितने भी स्वरूप तुम निरख लो, आज तुम कितने टूट के प्यार कर लो, थोड़े दिनों बाद प्यार वो गायब है ही नहीं, खत्म, उसकी लज्जत भी खत्म, टूट सिर्फ दिल में है। तो कहते हैं ऐसा है राज्य का जो स्वरूप है, अति सुंदर स्वरूप है, उसको निरखोगे, और वो क्या स्वरूप है, प्रेम और इश्क का आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप है, जो कभी मिटने वाला नहीं, ना तुम्हारा तन मिटने वाला, ना राज्य का, अखंड स्वरूप, अस्थिर आकार है वहां परम धाम का। तो कहते हैं तुम ऐसे राज्य को आके कहां निरखो,
परमधाम में जो गौर अति उज्जवल अति सुंदर सलूकी लिए हुए जो स्वरूप है तुम उसको आके निरखो। और श्यामा जी का रूप कैसा है, बहुत अनूप है उनका पूरा स्वरूप, अति अनूप। अब हम शनिवार इतवार को बैठेंगे ना तो मैं राज जी का स्वरूप बताऊंगी कि वो कैसा स्वरूप श्याम राज जी का है और श्यामा जी का कैसा स्वरूप है और तुम्हारा स्वरूप कैसा है, ताकि तुम्हारी सुरता निरखे कहाँ आत्मा पल पल तुम्हारे दिल में उनका स्वरूप बस जाए और तुम उन्हें निरखो। और जब तुम उन्हें निरखोगे तो तुम्हारे संसार के दुखों से तुम ऊपर उठ जाओगे। ठीक है, तो कहती है साजोरी सत सिंगार। यहाँ का सिंगार तो कितनी देर सिंगार का लोगे और कितनी देर रुकेगा, पल मात्र थोड़ी देर हम बहुत सुंदर लग जाएंगे फिर कितनी देर। और परम धाम में तुम्हारा सिंगार तुम्हारा स्वरूप अति किशोर स्वरूप रूहों का है। तो कहते हैं और तुम कौन सा सिंगार सोचो सत्य जो कभी मिटे ही ना, और कौन सा सिंगार सोचोगे इश्क का सिंगार। राजी महाराज रूहों को इश्क की नजर से देखते हैं तो रूहें सिंगार सज लेती हैं, है ना। तो कहते हैं तुम साजोरी देखते हैं ना, वो देखते हैं उनकी नजर से ही सिंगार कर लो। और यहाँ कितना मर्जी सिंगार कर लो, दस जने जलने वाले हों सुंदर लग रही होगी तो लग रही, हम क्या करें। तो यहाँ कोई प्रेम की नजर तो कोई कोई देखता है, तुम सुंदर बन जाओ लेकिन प्रेम की नजर थोड़ा मिलती है। तो प्रेम की नजर तो कहाँ मिलती है, परम धाम में राज जी को। यहाँ पे तो जो तन की लीला है करनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ रूह की लीला भी अपने दिल में रखना चाहिए, उसको भी याद करना चाहिए, है ना। ताकि ये तो संसार में जब तक तुम्हारा तन है यहाँ की तो लीला चलती रहेगी, सजना भी है काम भी करना सब करना है, लेकिन इसके साथ साथ रूह का श्रृंगार क्या है, सत्य श्रृंगार है। कहते तुम्हारा जो सत्य आत्मा है जो परम धाम के अंदर तुम्हारा नूरी तन है उसका श्रृंगार भी देखो कि कैसे राजी उसे देखते हैं और वो पल में करोड़ श्रृंगार सजती है रूप। तो क्या करो साजोरी सत्य श्रृंगार, सत्य श्रृंगार करो, सत्य तुम्हारा स्वरूप है और विलसो संग सत भरता। जब तुम उनकी नजर से श्रृंगार करोगी इश्क का तो फिर क्या करोगी उनके साथ प्रेम विलास की लीला किससे करोगी, भरतार, जिसने तुम्हारे अंदर नूर भरा, जिसने तुम्हारे अंदर प्रेम भरा, इसलिए उनको भरतार कहते हैं। सब रंग देने वाले सब रस देने वाले सब सुख देने वाले भरतार राजी महाराज जब तुम्हें दृष्टि से नैनों से देखेंगे तो तुम्हारे ऊपर सत्य श्रृंगार सज जाता है। तो कहते आओ रूहों आओ, ओ मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत वतन, तुम सत वतन की तरफ आओ। ये संसार का वतन तो है लेकिन सत्य नहीं है, मिट जाने वाला है, तुम्हारा पिंड भी तुम्हारा ब्रह्मांड भी, इसके रहते रहते उनकी पहचान करना है। सत्य धनी तो करो हास, अपने राज्य से क्या करो हास करो, जैसे मजाक करो हास करो, जो हुज्जत में प्रेम में बातें करते हैं तो उनके साथ हास विलास करो आकर के, फिर पीछे करो प्रेम विलास। तो कहते हैं पहले तो उनके साथ हास करो, जैसे कोई दो फ्रेंड मिलती है ना हंसते हुए दो चार जोक करती है बात करती है मस्ती, जिसे देखते मस्ती चढ़ती है और इतनी प्रेम भरी बातें करने का दिल करता है हंसने का दिल करता है। तो कहते हैं राजी से आके हास करो और विलास भी आकर करो, सत वर्णन की जो है और पल पल क्या वर्णन करो, राजी का वर्णन करो श्यामा जी का वर्णन करो ताकि तुम्हारे दिल में उनकी सूरत बस जाए। तो परम धाम का वर्णन करो तो उपजे सत स्नेह, तो तुम्हारे अंदर परम धाम वाला प्रेम स्नेह पैदा हो जाए और वही प्रेम स्नेह तुम्हें आनंद दे। सबसे ज्यादा सुख कब मिलता है, जब हमें बहुत सारा प्यार बहुत सारा सुख इश्क में मिलता है, तो वो सब कौन देने वाले हैं, हमारे प्रीतम धनी। तो कहते हैं सत साथ देत दिखाई सत आनंद अग्नमाई, जब वहां सारी रूहें 12,000 श्रृंगार करके वनों में घूमती हैं हास विलास करती हैं राजी के साथ बहुत प्रेम की बातें करती हैं, तो कहते हैं वो आनंद जब तुम देखोगे परम इकट्ठी एक साथ पानी में जमुना जी में झूलती हैं खेलती हैं झीलती हैं वनों में हिंडोलों पे झूलती हैं। तो कहती हैं जब तुम्हारे अंदर सत साथ को देखोगे परम धाम में, सत साथ कौन है जो वहां 12,000 रूह है तुम्हारी, कहती है जब उनको देखोगे तो तुम्हारे अंदर आनंद खत्म नहीं होगा। अब सत्य साथ तो करो प्रीत देखोगे श्यामा जी को देखोगे और अपनी ही सुंदरता जो रूहें हैं जो वहां पर घूमती और मूल मिलावे में इकट्ठी बैठी दिखाई देती हैं
तो कहते हैं अपना दिल वहां इन तीनों को देखो, अपनी परातम को देखो, अपने महबूब प्रीतम राज जी को देखो, अपनी सुभान श्यामा जी को देखो, देखो सतघर की रीत। सतघर की क्या रीत है? सत वतन परम धाम है ना, अर्शे अजीम कह दो, परम धाम कह दो, वो हमारा सतघर है। तो कहते हैं उस घर की रीत यही है कि वहां प्रेम की लीला होती है। जैसे ब्रिज में तुमने कृष्ण जी के साथ प्रेम की लीला करके दिखाई, रास में करके दिखाई, अब कहते हैं तुम्हें परम धाम में अब ये लीला राजी वाणी में दिखा रहे हैं, और वाणी से तुम्हें वो लीला को देखते हुए हमेशा अपने दिल में उस आनंद को भरना है। ये तुमने कर लिया तो तुम्हारा मनुष्यतन, तुम्हारा भरत खंड में पैदा होना, ब्रह्म ज्ञान मिलना, और ये सारा जो तुम्हें सुख है, तुम्हारे को ये देह मिलना, मनुष्यतन मिलना, तो ये तुम्हारा सार्थक है। यदि तुमने तुम्हारी नजर ही उधर नहीं गई तो ये चारों चीजें तुम्हारे लिए सार्थक नहीं है, तब तुम्हारा यूटिलाइजेशन ठीक है। क्या करना है? सत घर की ए रीत है कि वहां पर अपनी श्यामा जी को निहारो, राजी को निहारो, और वहां अपने प्रेम विलास की लीला को करो। इसी प्रकरण को मैं सैटरडे को करूंगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि है ना फिर हम आगे आगे चलते जाएंगे। 15-20-25 मिनट हर बार वाणी का सुंदर सुंदर सा सार जो हमें राजी की याद दिलाए, राजी के प्रति प्रेम पैदा करे, तो वो हम करेंगे। अब आशु जी या रजनीश जी जो भी लेंगे वो अपनी क्लास में लेंगे, उसके बाद हमारी क्लास करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारा सुंदर साजी आवाज आ रही है? आ रही है जी सुंदर साजी। आप अपने अंतस्करण में देखिए कि जब चर्चा वाणी चल रही है तो उस समय चेहरे के हाव भाव बता देते हैं कि हमारी सुरता क्या इसी में है, या कहीं बैठे तो यहाँ है लेकिन सुरता कहीं और चली जाती है, होता है ना ऐसे। अब चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कौन एकाग्र होके सुन रहा है और किसकी सुरता बैठे तो सामने है लेकिन सुरता कहीं और। तो इसके लिए पहले एक ही मेथड बताया था, किसको याद करना है? सतगुरु के चरणों का ध्यान करके, बंगला जी का ध्यान करके आप धनी के चरणों में नतमस्तक हो जाइए और सुरता को मूल मिलावा के अंदर बांध लीजिए। साथ साथ चौपाई बोल लेंगे, वही चौपाई जो रोज बोलते हैं, कदम लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासूक बीच आसिक के दिल आए, बीच मोमिन के दिल आए। हाँ जी सुंदर साहब जी, अभी चर्चा जो 10 मिनट चली श्री मुखवाणी का मंथन कहिए आप जो चला, उसमें एक चौपाई चली वो क्या थी? ओ मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत वतन। एक मोटी बात आप समझ लीजिए, हम का मतलब ये हम है या वो हम है? इशारे से बताइए, वो हम है या ये हम है? वो हम है। ये क्या है? ये स्वप्न है, एक खेल की कछु है नहीं, ये तो दिल में दिखाई देत। किसके दिल में दिखाई दे रहे? उसके दिल में ये स्वप्न दिख रहा है। कौन दिखा रहा है? राजी ये स्वप्न दिखा रहे हैं। सुरता किसको देख रही है? वाया हुकम पर आत्म जो श्री राजी महाराज के चरणों तले मूल मिलावा में विराजमान है, वो सुरता के माध्यम से। सुरता हमारी सुरता किससे जुड़ी है? हुकम से, और हुकम इस खेल को देख रहा है। ये दावा ना तो ये ब्रह्म सृष्टि है
और ना होगी। ये क्या है? झूठा तन है, स्वप्न का तन है जो हमें मिला है, किसको दिखाने के लिए? उसको दिखाने के लिए, पर आत्म को लज्जत देने के लिए खेल मिला है। केवल दावा इसने ले लिया क्योंकि हुक्म की नजर इसके साथ जुड़ गई, इसने ये दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। अब हमने दावा तो लिया है और दावे के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा? हमें वैसे रहनी करनी पड़ेगी, वैसी चाल चलनी पड़ेगी जैसा हमारे हादी सतगुरु सरकार साहब ने हमें समझाया है, जो श्री मुखवाणी हमें समझाती है, क्योंकि उन्होंने भी कहां से समझाया? श्री मुखवाणी के माध्यम से ही हमें ये ज्ञान दिया। उस ज्ञान को हमने अपने अंतस्करण में धारण करना है, पानी लगे, अपने अंतस्करण में धारण करना है और चित्त से उसका चिंतन करना है। तो ये मान के चलिए वो सत है, ये असत है। सत को सत के अंदर, सत पर आत्म को लज्जत देने के लिए ये राजी ने झूठा खेल दिखा दिया। तो श्री मुखवाणी में एक चौपाई आती है, कहते बहुत पुकार करूं किस खातिर, ए तो सुपन स्वरूप, ए तो सुपन स्वरूप बेहद वनज का, होएगा जो साथी एक लवे होसी टूक टूक, एक लवे होसी टूक टूक। हमने दावा लिया है, हमें ये शब्द घाव कर जाने चाहिए, हमें इतना विरह सताना चाहिए कि हम धनी के चरणों में बैठे हैं और देख क्या रहे हैं, इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, हम धनी से जुदा होकर बैठे हैं, बल्कि जुदा है नहीं, लेकिन हमें आभास हो रहा है क्योंकि हमारी नजर किसको देख रही है? खेल को देख रही है। वो सत्य है, ये असत्य है, और इस असत्य के अंदर जो सुपन का तन मिला है, मानव देह मिली है, इसके जरिए ही हमने उसको लज्जत देनी है। मानव देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए, ए तो अधकिन को अवसर सो गमावत माज नींदर। हमें इसे अज्ञानता के अंदर नहीं खोना है। अब हमें इस बात का ज्ञान हो चुका है कि वो सत्य है, ये असत्य है, वो सत्य है, ये असत्य है, वो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद की भूमि है, और यहाँ केवल दुख ही दुख है, यहाँ जड़ ही जड़ है, वो चेतन है। तो हम ने अपनी सुरता को कहाँ फिराना है? तुम आओरी घर सत्य वतन। सुरता जो इसको देख रही है वापिस लौट जाए, और उसका माध्यम क्या है? श्री मुखवाणी, उसके अनुसार रहने में आना, और जो हमने श्री मुखवाणी से सीखा है, परिक्रमा किताब से सीखा है, जो चर्चनी सीखी है, उस हिसाब से प्रातः काल उठ करके चिंतन करना है। और हुक्म को धनी ने एक बड़ा काम पता है क्या दे रखा है कि प्रातः काल अर्धरात्रि के समय जिसको जो जाग जाता है ना, तो उसको ये बात याद कर लेनी चाहिए कि मेरा संबंध किस से है, वो हुक्म मुझे किस लिए उठा रहा है, इस माया के निद्रा से क्यों जागृत कर रहा है। तो मैंने किसको याद करना है? धनी का चिंतन करना है, क्योंकि छिपके साहेब कीजे याद, खासल खास नजीकी स्वाद। उसकी लज्जत लेनी है, पर आत्म को लज्जत देनी है, जो हमने सीखा है सुना है उसका चिंतन अवश्य करना है। तो मानव दे, इस दे से ही ये सब काम हो सकते हैं। अब देखो, हम मंदिर में चर्चा वाणी सुने, मान लो गेट खुला है और अंदर कोई पशु अंदर आ जाए, क्या उसको अंदर आने की आज्ञा होगी? तुरंत डंडा लेके उसको भगाएंगे, भगाएंगे ना। केवल मानव देव के पास ही वो बुद्धि है, और धनी ने तो हमने जागृत बुद्ध का ज्ञान दिया है, जागृत बुद्धि दी है, और उस जागृत बुद्धि से ही हम उस ज्ञान को पा करके अपनी सुरता को वहां फिरा सकते हैं। तो मानव देह का बहुत महत्व है। तो आज जो कोरोना महामारी चल रही है ना, ये क्या कहें इसको, इसको कृपा भी समझे, अगर उस नजर से देखें तो आज घरों में बैठे हैं तो कम से कम जिन्होंने अज्ञानता को हटा करके
इस बात को समझ लिया, समय को कैसे सार्थक करना है, कैसे सार्थक करना है, तो धनी के चरणों का चिंतन करना है। तो वहां श्री मुखवाणी चर्चा, बीतक साहिब चर्चा, चिंतन में अपना जीवन, कहते थे ना समय नहीं है, यहाँ समय किसी के पास, जब तक ये देह खत्म नहीं होती समय मिलता ही नहीं किसी को, लेकिन धनी ने तो हमें समय दे दिया। किसके वास्ते? हम ये सोचे हमारे वास्ते, सब अपना भोग भोगेंगे लेकिन दुख में भी सुख देंगे राजी महाराज, यदि आप उनके चरणों का चिंतन करेंगे, अपनी पनाह में रखेंगे। आप अगर सतगुरु पर ईमान रख करके धनी के चरणों का चिंतन करेंगे तो कहते विश्वास करी ने दौड़ सीजे कार्तम का फल सोई ले, जो विश्वास करके दौड़ेगा। तो ये समय हमें अज्ञानता में नहीं खोना है। हम वहां बैठे हैं, सुरता हमारी इस खेल को देख रही है, और धनी ने कितनी बड़ी कारीगरी कर दी। सपने वाले को ये ज्ञान नहीं होता कि मेरा एक और तन जो मूल है, असल तन है, वो बिस्तर पर सो रहा है, लेकिन धनी ने ऐसी कारीगरी से, हुक्म की कारीगरी से ऐसे खेल दिखाया कि नींद उड़ाई सपना रखा, हमारी नींद भी उड़ा दी लेकिन सपना खड़ा है, और सपने वाले तन को जागृत करके ये ज्ञान दे दिया कि तुम्हारी असल ये नहीं, तुम्हारी असल, तुम्हारी का मतलब जो पर आत्म वाया हुक्म आत्म इस खेल को देख रही है, तो उनको ये समझा दिया कि तुम्हारी असल कहाँ है, धनी के चरणों में मूल मिलावा के अंदर। अब हमने सुरता को फिराना है, और सुरता कैसे फिरेगी, सुरता कैसे फिरेगी, यदि हम उन उस लीलाओं को याद करेंगे, उन 25 पक्षों को याद करेंगे। तो श्री इंद्रावती जी कहती है कि फिर सूरत साथिए, हम ये सोचे कि वो, हाँ ये भी बात है कि सत सपने को देख सकता है, सपना साक्षात को नहीं देख सकता, लेकिन हक इलम से देखिए अरस गलियां धाम, परम धाम का पूर्ण वर्णन, 25 पक्ष का वर्णन श्री परिक्रमा किताब के अंदर जो वर्णन किया है, क्या वो ऐसे किया, किसलिए किया, इसलिए किया था हम उस वाणी को अपने हृदय में उतारें, कम से कम अपनी सुरता को धनी के चरणों में लगाएं। इसलिए श्री इंद्रावती जी कहती हैं फेर सूरत साधिए, धनी चरित सुख चैन, इसके बेर आए कछु नहीं, और खुल जाते निज नैन। अंतर्दृष्टि खुल जाएगी कब, जब हम बार बार श्री मुखवाणी का मंथन करेंगे, उसके सार को ग्रहण करेंगे, श्री बीतक साहिब के जो प्रसंग आए हैं उनसे सिखापन लेकर के उस हादी के कदमों पर चलेंगे, तो निश्चय ही हमें वो लज्जत मिलेगी, वो सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि धनी हमें देने क्या आए हैं, हक को काम कछु और नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत, हक को केवल एक ही काम है, रूहों को लज्जत देनी है, और पूर्ण लज्जत देने के वास्ते ही धनी ने ये हमें खेल दिखाया है। खेल दुख का नहीं, खेल हमें मेहर का दिखाया है, जिसमें अपनी पूर्ण पहचान देना चाहते हैं। हमने उस पूर्ण पहचान को, उस लज्जत को कैसे लेना है, श्री मुखवाणी से ही लेना है। हम ये ना सोचे अब सैटरडे संडे की क्लास है, सुनना बहुत आसान है, पहली बात तो सुनना भी आसान नहीं, क्योंकि इन श्रवणों से इस अखंड ज्ञान को सुनना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि पहले भी ये बात हुई थी, केसरी दूध ना रहे रज मात्र, छेड़नी का दूध सोने के पात्र के बिना एक बूंद भी ठहर नहीं सकता, और ये ब्रह्म ज्ञान है जो आज इन तक कोई ले नहीं सका, उस बका द्वार को कोई जान नहीं सका, दौड़े कई पैगंबर कई तीर्थंकर अवतार, अव्वल से आखिर लग किन खोलिया ना बका द्वार, और कोई उस द्वार को खोलना तो क्या, उस राह को भी नहीं कोई जान सकता, अगम निगम कह करके लौट आए। तो हमें ये ज्ञान मिला है, तो ये धनी ने क्यों दिया है, निस्बत की खातिर मिला है। आप हम जो जुड़े हैं ना सुंदर साथ, इतनी दुनिया है, इतने सैकड़ों सुंदर साथ हैं, सिर जी के साथ भी तो 5000 की जमात चली ना 5000 की जमात, जुल जुलाहट कितनी थी, ब्रह्म सृष्टि कितनी थी 500, और उसमें भी जब
रात को चर्चनी का समय होता था ना, तो अर्धरात्रि के समय लालदास जी को कहते शेर जी करेंगे यदि हम श्री मुखवाणी का मंथन करेंगे, क्योंकि धनी में सतगुरु महाराज जी ने हमें कौन सी प्रतिज्ञा कराई है, तारतम देते हुए जब पालव बांधा धनी के साथ कौन सी प्रतिज्ञा कराई, कौन सी प्रतिज्ञा कराई कि ए सतवाणी मत के लेऊ जो इनको सार, कि हमने पूरे पांचों दिन वाणी का मंथन करना है, उसके सार को ग्रहण करना है और उसके अनुसार ही चलना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अश्विनी प्रणाम जी। अश्विनी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है आंटी। आवाज आ रही है अभी? हाँ जी अब आ रही है। मैंने मीटिंग भी दोबारा ज्वाइन किया, कभी कभी हो जाता है ऐसा। सुंदर साथ जी, दिल में अपने पिया से मिलन की तड़प को लेकर अब हम सब अपने पिया से मिलने चलते हैं परम धाम की ओर। सबसे पहले हम कोमलता से अपनी आंखों को बंद करके और आराम से जिस भी आसन में बैठना चाहते हैं, सुखासन में बैठे, चौकड़ी लगाकर बैठे या चेयर पे बैठे, बैठेंगे और अपने ठीक सामने अपने सतगुरु महाराज जी का आसन लगाएं और तारतम का पाठ करेंगे अपने मन को एकाग्र करने के लिए। मुझ नाम श्री जी साहिब जी नाही अक्षर सुखी और साहिर हुए सत्य वतन से श्यामा जी वर सत्य में सदा सत्य दाता उनकी जो वल्लभ वाणी मेरे प्रीति जीवन करना ये विचार ये सतवाणी मत के लिए जो सार संसार में दे सच्चे सुने निर्णय करने सुप्रीम सृष्टि को मैं अपने सतगुरु महाराज को अपने सन्मुख मैंने महसूस किया और उनके चरणों में प्रणाम। सतगुरु महाराज ने मुझे अपने निज संबंध की पहचान कराई, अपनी निस्बत की पहचान कराई। मैं उनसे ये अर्ज विनती कर रही हूँ
कि मुझे मेरे राज शमा जी के दीदार का मौका दो। किस तरह से मैं अपने पिया के संग धर्म धाम में वो लाड मेरे मुझसे लड़ाते थे, हम सब मिलकर पिया को रिझाते थे, श्यामा जी हम पर इतना आनंद लुटाते थे। सतगुरु महाराज जी ने मेहर भरा हाथ मेरे सर पर रखा और वो मुझे देखकर और चल के ब्रह्मांड को पार किया और मोह तत्व अष्टावरण सात छिन्ने को पार किया, आगे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे, योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश किया और सतगुरु महाराज की मेहर से योग माया के ब्रह्मांड में आए चतुष्पाद जो अक्षर ब्रह्म के आए हैं, केवल ब्रह्म, सकलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म और सत्स्वरूप की लीलाओं को देखते हुए मैं अपने सतगुरु महाराज के साथ आगे बढ़ रहा। मेरे सतगुरु महाराज ने मुझे सर्वरस सागर के साथ अपने परम धाम में आए पूर्व दिशा में जो सागर आया है मेहर का सागर, उसके सम्मुख खड़ा कर दिया। चारों तरफ घने वनों की शोभा, सतगुरु महाराज ने तख्तरवा बुलाया और मैं उनकी मेहर तले उस तख्तरवे पर बैठकर हम सब सखियां अपने परम धाम की सैर को चल पड़ी। इस नूरी तख्तरवा पे विराजमान होकर मैंने अपने परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को निहारा, कहीं मानिक पहाड़ तो कहीं पुखराज पहाड़, कहीं कुंज निकुंज के वन, कहीं इतने ऊंचे हिंडोले महाविलंद हिंडोले, कहीं नहर जल ऐसे गिर रहा है जल्दी चादरें गिर रही हैं, कहीं 4 भूम से, 6-8 भूम से, 16 भूम से, ऐसे लगता है चारों तरफ वनों का एक सुंदर चंद्रमा जिसमें जल ना हो, जल ना बह रहा हो, जल की चादरें ना हो, ऐसे लगता है जैसे जवाहरात चमक रहे। शोभा को देखकर रू हैरान कि इन सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी अपने पिया के संग अपने परम धाम के निज सुखों को याद करें। जैसे ही सतगुरु महाराज ने मुझे केल पुल पर लेकर गए तो केल पुल पर निंडोलों की शोभा जिसमें घुंघरुओं की मीठी मीठी आवाज आ रही है और वो हमें बुला रहे हैं कि हम पिया के संग इन हिंडोलों में क्या आनंद लेते थे। जैसे ही केल पुल पर मैंने अपना कदम रखा तो तले से जमुना जी का बहना वो जल का मुझे महसूस होना, ट्रांसपेरेंट उसकी स्पर्श की शोभा, उसमें से मैंने जमुना जी का जल दिखाई दे रहा है और जमुना जी का जल इतना मीठा और उज्जवल, उसके तले तक जो भूम पर गहरा जल है उसका जो बेसमेंट है वहां तक ऐसे लगता है नीचे सुंदर जवाहरात पीछे है। हम सब सुंदर साथ में पिया के संग जमुना जी पर कब विहार करने आते हैं सुंदर साथ जी, जब भी विहार करते हैं तो कभी जल पर हिलोरे खाते हैं, चाहते हैं तो जल हमें भिगोता है और नहीं चाहते तो उस जल पर हम चल भी सकते हैं। सतगुरु महाराज ने मेरा हाथ थामा और पिया से मिलन के लिए मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी। सुंदर वनों के चंद्रवा को पार करते मैं पाठ घाट के सामने आकर मेरे सतगुरु महाराज ने कहा तो अपने पिया से मिलन के लिए सुंदर सिंगार करके हम आप सब आगे बढ़े। पाठ घाट में झीलना कर और सुंदर नूरी सिंगार कर हम सब
जो भी बीच में रास्ते आएंगे, राजी रॉस, चंद रॉस, पन रॉस, इनके हिंडोलों को देखते हुए, इनमें आए पशु पक्षियों की सुंदर लीलाओं को निहारते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे। ऐसे लगता है मानो परम धाम भी हम सबके आने से महक उठा, चहक उठा, हर चीज रंगीन हो गई। जैसे जैसे मैं कदम आगे बढ़ा रही हूँ, हर चीज ऐसे उछल उछल के जल फवारों में बहने लगा कि मानो हमारा स्वागत करता। सुंदर फूलों के दरवाजे दोनों तरफ, मेहराबी द्वार, उनमें अमृत बन के मीठे मीठे आम जो लटक रहे हैं, इस रॉस को पार करते हुए हम सब सखियां चांदनी चौक में आकर खड़े, ठीक मध्य में रंग महल के ठीक सामने, 100 सीढ़ियों और 20 चांदों को पार करके धाम दरवाजे के सामने आई चौक पर खड़ी हूँ। चारों तरफ सुंदर मंदिरों की शोभा, जिसमें जाली द्वार लगे हैं, बुर्ज बने हैं हंस हंस की संधि पर, हम सब सखियां इन मंदिरों में पिया के संग क्या हास विलास करते हैं। सुनो साथ जी, उन सुखों को याद करें, इन झरोखों में खड़े होकर वनों की तरफ निहारना, जब चांदनी चौक में और वनों में घने बादल छा जाते हैं और हम सब इन झरोखों से अपने इन सुखों का आनंद लेते हैं। चारों तरफ सब पशु पक्षी पिया पिया दूही दूही की गुलजार करते, इन शोभा को दिल में बसाते हुए हम सब सखियां पिया के मिलन की चाह को दिल में लेकर आगे बढ़ते। 28 स्तंभ के चौक को पार किया, इस शोभा को निहारते हुए हम रसोई की हवेली के पूर्व की दहलान से आगे बढ़ रहे हैं। भंडार घर से एक मीठी सी आवाज आई, सखी अपने पिया के लिए कुछ भोग ले जाओ, उनसे मिलन के लिए जा रहे हो, उनके दीदार के लिए जा रहे हो, अपने राज्य के लिए, सब सखियों के लिए कुछ तो भेंट ले जाओ। फिर मन में आया कि अपने पिया को हम क्या पेश करें, उन्होंने तो सब विद हमें दी, ये सब भी उनका ही दिया हुआ है। सुंदर साजी, हम सब पश्चिम के दरवाजे से बाहर आते हैं, रसोई की हवेली की, पिया के लिए कुछ जो भी मेरे मन में भाव आया हमने पिया के लिए भोग लिया और आगे बढ़ते जाते। पूर्व के दरवाजे से दूसरी हवेली में प्रवेश किया, दो गलियों को पार किया, अंबों की हार को पार किया और चबूतरे पर आया। चबूतरे को पार करके फिर से गलियों को पार किया और पश्चिम के दरवाजे से दूसरी हवेली को पार किया। इसी तरह से चार चौरस हवेलियों को पार करके जब मैं बाहर आई तो एक अनोखी शोभा, चारों तरफ जैसे इंद्रधनुष के रंग बिखर गए। इतने रंग की हर थंब में अलग ही रंगों की शोभा दिखाई दे रही है और ये हवेली गोल आई। जब इस हवेली के पूर्व के दरवाजे से हम अंदर गए, एक थंबों की हार दो गलियों को पार किया तो ठीक सामने मेरे पिया का सिंहासन विशोभा लिए दिखाई दे रहा है। इस चबूतरे पर जो गिलम बिछी है, मेरे पांव उस गिलम पर धंसते जा रहे हैं। लाल रंग की सुंदर गिलम जिसपे 1000 पंखुड़ी का कमल का फूल खिला है। हम सब सखियां अपने राज समाज को घेर कर बैठे हैं, अपने मुंह मिलावे
राज शर्मा जी पूरी अदा से हम सब सखियों के साथ स्कूल हवेली में विराजमान, हम सब सखियों ने जाकर पिया के चरणों में पहले प्रणाम किया। जैसे ही मैंने अपना हाथ पिया के चरणों के नीचे रखा, उनकी बलि को मैंने के नीचे हाथ रखा, नरम तली के तले, तो पिया ने मुझे दूसरा भी पांव अपना चरण कमल मेरे हाथ में दिया। मैं अपने पिया के चरण कमलों को हाथों में लेकर उन्हें निहार रही। पिया के चरणों में प्रणाम करके मैंने श्यामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुंदर साथ जी, हम इन मूवी चरणों में ही पड़े रहे, इस माया का एक भी छल बल हमें हरा नहीं सकता। हर पल बस पिया के सम्मुख होकर हम इस माया को भी पार पुरखा पा सकते हैं, इस माया से भी निकल कर चल सकते हैं अपने परम धाम। श्री मामती जी कहती है, सनमंज मूल को मैं तो पाओ पल छोड़े हो ना जाए, अब छल बल मोहे क्या करे जो आद थे दियो। प्रणाम जी सुंदर साथी, सब सुंदर साथी चरणों में प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ इसी तरह अपने पिया के चरणों में रोज प्रणाम करके अपने परम धाम के सुखों को याद करके अपने दिन की अगर शुरुआत करें तो पल पल हमें अपने पिया की मेहर का एहसास होगा। सुंदर साथ जी, पल पल उनकी मेहर का हमें एहसास होगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, आज के जो क्वेश्चन आंसर थे उसमें किसी को कोई चीज का अगर डाउट है तो वो भी हम लोग अभी क्लियर कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग युक्ति स्टॉप कर दो प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।